थिंक इन द मॉर्निंग, एक्ट इन द नून, ईट इन द इवनिंग एंड स्लीप इन द नाइट। विलियम ब्लेक ने बड़ी खूबसूरती से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में इशारा किया, किस तरह से हम अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रोग्रेस नहीं होगी, कम अज कम आपकी मर्जी की प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सेट करें गोल फिर आप उसको अचीव करें, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कुदरती तौर पर आपके लिए जो भी हो रहा है हो जाए, होता रहे, ना हो तो भी खैर है, तो अनऑर्गेनाइज चलते रहे। जो नौकरी मिल गई कर ली, जितनी तनख्वाह मिल गई कर ली, जिस जगह जगह मिल गई रह लिया, जो फैमिली ने कह दिया हो गया, तो वो लाइफ आपको कभी भी खुशी नहीं दे, इत्मीनान सुकून नहीं दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, पीस हो, आपको खुद कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, और जब आप उनको अचीव करोगे तो फिर आपकी लाइफ में आएगी सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मैस्लो की हायरार्की के मुताबिक इंसान में सेटिस्फेक्शन अकम्प्लिश्ड फीलिंग लेके आती है, और सेल्फ एस्टीम के बगैर लाइफ आपको खोखली खोखली सी फील होती है। ये आपके गोल्स रिलीजियस भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेजर, प्रोफेशन, करियर, ये सारे अलग अलग नहीं हो सकते, ये सारे होने चाहिए। आपको ये तय करना चाहिए कि आप अपने करियर में क्या चाहते हो, प्रोफेशन में क्या चाहते हो, जॉब में क्या चाहते हो, बिजनेस में क्या चाहते हो, हेल्थ में क्या चाहते हो, फैमिली में क्या चाहते हो, सोशल लाइफ में क्या चाहते हो। हर डोमेन के अंदर 2, 4, 10, 15 गोल सेट करें, उनकी टाइमलाइन सेट करें, उनके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अकमुलेट करने की कोशिश करें, कॉन्टेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, और फिर उनको अचीव करने के लिए अपना 100% सीरियसनेस के साथ उसमें दें। फिर जब आप उसको अचीव करोगे तो आप लोगों को बताओगे, सिखाओगे, आप कोच बनोगे, मेंटोरिंग कर सकते हो। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े ध्यान से अपनी लाइफ को पहले नंबर पे ऑर्गेनाइज करें, फिर सेट करें टारगेट्स, फिर उनको अचीव करें और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। थैंक यू।